नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप नया मकान बनाना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्लॉट लेना ही पड़ेगा। और प्लॉट में केवल 7 सावधानियां अगर आपने रख लिया तो आधा वास्तु दोष वहीं समाप्त हो जाएगा। हम यह वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप खुद अपने से अपने वास्तु की सावधानी को रख सकें, वास्तु के दोष को ना आने दें और आप जीवन में अपार सफलता, सुख समृद्धि सब प्राप्त कर सकें। ये क्या है? देखिए, प्लॉट आपको जब भी लेना है, कहीं भी लेना है, किसी दिशा का लेना है, कोई भी राशि वाला ले सकता है, कोई भी नक्षत्र वाला ले सकता है, कोई भी ग्रह वाला ले सकता है। केवल उनको ये कुछ जो बता रहे हैं, सावधानियां रखना आवश्यक है। मूल रूप से जड़ जो होता है, जिस पर मकान हम बनाते हैं, वह होता है आपका प्लॉट। तो प्लॉट ही अगर व्यवस्थित नहीं होगा, प्लॉट अगर हम अच्छा नहीं ले पाएंगे, तो कितनों वास्तु से हम बना दें, उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होगा ही। प्लॉट का रिलेशन है वास्तु पुरुष से। वास्तु पुरुष का मतलब है कि जैसे एक व्यक्ति का पूरा शरीर स्वस्थ तभी हो सकता है जब कोई उसका अंग भंग नहीं हो या अंग विकृत नहीं हो, अंग विकलांग नहीं हो, तो ये ही प्लॉट का संबंध है। क्योंकि वास्तु पुरुष जो होते हैं, औंधे भाव, किसी भी जब हम प्लॉट का जैसे ही घेरा करते हैं मकान बनाने के लिए, रंगोली डालते हैं, वैसे ही उस मकान मालिक के, जिसके घर का वो जो मुखिया, जिसके नाम से प्लॉट है, वह एक्टिवेट हो जाता है, वास्तु वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि वास्तु कैसे प्रारंभ होता है और कैसे कार्य करता है। सबसे पहली बात है, जब भी प्लॉट लेने जाते हैं तो एक कल्पना आप करते हैं कि इनके नाम से एक प्लॉट लेना है मकान बनाने के लिए। मकान शब्द जो आया, मकान बनाने जो जा रहे हैं, वहीं से यूनिवर्स में आपका वास्तु प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सावधानी रखना है कि जब भी आप कल्पना भी करें, लेने के लिए जाएं, तो एक मुहूर्त का चयन जरूर कर लें। जैसे परचेजिंग के लिए गुरुपुख का मुहूर्त अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुरुपुख पुष्य जो है उसमें जो है सो हम कोई भी काम जब प्रारंभ करते हैं तो निर्विघ्न पूरा हो जाता है। अक्षय तृतीया का तिथि अच्छा माना जाता है, या किसी भी तिथि में आप ले रहे हैं, अगर शुभ लाभ की चौघरिया है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। पहली बात तो ये चीज हो गए। अब हम जब प्लॉट लेने जाते हैं तो घर से, क्योंकि यह समृद्धि कारक चीज है, आपके जीवन में जो भी मांगलिक अच्छे कार्य होते हैं उसके लिए जब भी घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा गुड़ और दही खा करके निकलें, या तो गुड़ ले लें या दही ले लें, तो ये कार्य पूरा होने में आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि गुड़ जो है मंगल का कारक है, मंगल को बलिष्ठ करता है, और भूमि इत्यादि जो है उसका पुत्र मंगल कहलाता है। तो मंगल को हम बलिष्ठ करके जाएंगे तो हमारे जीवन में प्लॉट आएगा, अच्छा आएगा, और हम जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को समझना आवश्यक है। अब हम आते हैं दूसरी बात है कि देखिए, चौथे भाव का कारक है। कोई भी घर आपके जीवन में अगर आता है तो चौथा भाव अगर समृद्ध है, चतुर्थ भाव समृद्ध है, तो आपको ये आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? चौथा भाव जो है मां का कारक है, अर्थात मां से आशीर्वाद लेकर के, मां से अनुमति लेकर के, मां का जो है विशेष लेकर के आप जमीन खरीदने जाएं। मां नहीं है, किसी का अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? मां रूपी कोई भी जो वैसी लेडीज है जिसको आप आदर दे सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, उनका पांव छू करके आप जरूर जाएं। और आपके जीवन में देखिएगा कि ये भाव एक्टिवेट हो जाएगा और आपको प्लॉट अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। मैं ये कर रहा हूं, पहले ही मैंने यूनिवर्स की बात किया, तो यूनिवर्स आपको कैसे कहां कहां सपोर्ट कर सकता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि प्लॉट लेने गए तो प्लॉट लेने के लिए जब भी आप जा रहे हैं, बात करने लगे,
तो ईश्वर को एक बार थैंक्स दें। आप जो भी इष्ट देव है जिसे आप मानते हैं उनको आप थैंक्स दें, उनको धन्यवाद दें कि इस पोजीशन में मुझे आप ला करके खड़े किए हैं कि हम जो है सो प्लॉट लेने के लिए, मकान बनाने के लिए चाह रहे हैं। मैं इनको कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। जब ईश्वर को आप धन्यवाद दे दिए तो आपने जिस डीएनए से, जिस वंशज से आप आए हैं, अपने पितृ को भी धन्यवाद दें, क्योंकि ये सारी चीज जो रिलेटेड है ना वास्तु से है, हम बाद में क्लियर करेंगे। बहुत सावधानी से इसको सुने। यह वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए इतना पावरफुल होगा, इतना काम का होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो आज तक नहीं आया है। अब हम आते हैं कि जब पितृ को धन्यवाद दे दिए तो पितृ को धन्यवाद देने के बाद आप जो है सो चुकी प्लॉट पर जाएं, और प्लॉट में जाते हुए अगर आपको मन में जच गया है कि ये प्लॉट सही है, प्लॉट कैसा क्या नहीं होना चाहिए, वातावरण नहीं होना चाहिए, ये भी हम बताएंगे। तो प्लॉट पर जाने के बाद प्लॉट को ही वहाँ के जितने भी जो भी जीव जंतु या जो भी देवता उस प्लॉट पर वास कर रहे थे उनको धन्यवाद दे कि मैं प्लॉट लेने आया हूँ और आपकी अनुमति से ही ये ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज जब कर लेंगे तो आपका मकान निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। प्लॉट कैसा लेना है, प्लॉट जब भी लेना है आयताकार लेना है या आपको वर्गाकार लेना है, जिसका चारों भुजा बराबर हो वह वर्गाकार है, जिसके दो भुजाएं एक जैसी हो, मतलब लंबाई लंबाई वाला वह जो है सो एक जैसा हो, चौड़ाई चौड़ाई वाला एक जैसा हो, ये आयताकार है। तो ये अगर प्लॉट हम ले लिए तो वास्तु हमको सपोर्ट करने लगता है। जब भी प्लॉट लेने लगे तो जो है सो शेर मुख सर्प मुख जैसा नहीं ले, अर्थात एक तरफ सकरा है और एक तरफ जो है बहुत चौड़ा है, ऐसा नहीं लें, यह उपयुक्त नहीं है आपके लिए। तो ये भी आपको सावधानी रखना है। आसपास आप देखें कि कैसा वातावरण है, क्योंकि वो समृद्ध जगह है, वहां पर लोग रह रहे हैं, या मान के पूरा भी खेती है तो क्या कोई फसल उसल बढ़िया लगा हुआ है। अगर ऐसा है तो वह जीवित है, उसमें एनर्जी है और वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये चीज आपको सेलेक्ट करना है। आगे देखें कि कहीं आसपास श्मशान नहीं हो, कोई भव्य मंदिर का छाया आप पर नहीं आए, कोई बहुत बड़ा वृक्ष आप जहां गेट रख रहे हैं वहां नहीं आए, कोई बढ़ा हुआ कोना नहीं हो, कोई घटा हुआ कोना नहीं हो, या कोई टी पॉइंट आकर के आपको नहीं मिल रहा हो, ये सारे चीज आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं। अगर ये सब चीज आप देख लिए, कंफर्म हो गया कि ठीक लेने लायक है, तो आप शुभ मुहूर्त में उसका बयाना देंगे, बैठक करेंगे और प्लॉट को लेंगे। तो ये सारी चीज क्या क्या चीज होना चाहिए, इस चीज को हम देखिए, ये नॉर्मल व्यवहारिक बात है, उसी की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक से हट करके बात करेंगे तो बहुत बारीकी में हम जा सकते हैं, जितना अभी आपको करना संभव नहीं है। तो ये सारी चीज अब हम जब मकान जो बनाने जा रहे हैं तो हमें पद के हिसाब से जो है सो दरवाजा मुख्य द्वार रखना है। दो तीन चार चीज आपको रखना, मुख्य द्वार पद के हिसाब से रखना है। आप अपने प्लॉट का भेज सकते हैं, मैं कमेंट से आपको बता देंगे। फिर उसके बाद टॉयलेट उचित जगह पर रखना है, आपको सेफ्टी टैंक उचित जगह पर रखना है, वास्तु से पूजा रूम उचित समय से, मैं बोला था कि मैं जोड़ूंगा इसको, मैं गॉड को थैंक्स क्यों बोला, ईश्वर को थैंक्स क्यों बोला, क्योंकि आपका ईशान कोण जागृत होगा। जब भी मकान बनाने लगेंगे तो ईशान कोण में पूजन रूम रखेंगे, तो ईश्वर को जो थैंक्स दिए हैं वो ईश्वर आपको बहुत धन्यवाद वो भी देंगे कि आप जो है मेरा स्थान रखा, मेरी इज्जत रखा, मेरा सम्मान किया, मुझे उचित जगह पर तुम अपने घर में स्थान दे रहे हो। पितृ को जैसे नैऋत्य कोण परिपितृ का कहा जाता है, तो पितृ की स्थापना जब आप रहने लगेंगे तो स्थिरता लाने के लिए आपका मास्टर बेडरूम अगर आप वहां पर बनाते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, इसी को बारी से
जिसे देखना आवश्यक है और यह जीवन में आपको काफी लाभ देगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार।